प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर एसओजी को शिकायत की गई। शिकायत को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि जल्द ही एसओजी में बयान होंगे, जिसके बाद जो बातें मीडिया के समक्ष बताने लायक होगी तो मीडिया के समक्ष लाई जाएंगी। बयान नहीं दिया अभी तक, उनका फोन आया था, मैंने कहा मैं अभी इधर हूँ, कल फोन आया था, मैं इधर व्यस्त हूँ, आज कल में एक दो दिन में मैं जाऊंगा बयान देने। लेकिन आप जानते हैं कि जांच जब होती है तो बयान बताए नहीं जाते, उससे जांच प्रभावित होती है, तरह तरह की बातें करना। ये सारी बातें एक बार मेरे बयान हो जाए उसके बाद में कितनी बातें बताने लायक है, कितनी छुपाने लायक है, उसके बारे में ये फैसला होगा। मैं किसी भी तरीके से मैं क्या कोई भी जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता, जांच अपने तरीके से हो। हमने अपना काम कर दिया कि हमने एसीबी में और एसओजी में हमने शिकायत भेज दी और अब काम आगे उनका है, वो किस तरीके से जांच करते हैं, कितनी करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा एसओजी का और एसीबी का सोच का उनका अपना तरीका है। लेकिन हम किसी भी तरीके की बयानबाजी में नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमारी बयानबाजी से कौन अननेसेसरी दबाव की राजनीति बताया जाएगा, इसलिए मैं इससे बचना चाहता हूँ।